एक ग्रुप बनाया गया था कि कुछ भी बात होती तो उसमें मुझे सिर्फ एक मैसेज डालना था, अगर कोई ऐसे भी छू देता ना एक मैसेज जाती, बहुत ड्रामा हो जाता। हेलो गाइस, तो इस राजवीर फिटनेस ने भाई साहब बहुत बड़ी सीक्रेट बात बताई जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी। जी हां दोस्तों, राजवीर फिटनेस जब मुंबई गए हुए थे एजाज खान से लड़ने के लिए, जब उनको उन्होंने चैलेंज दिया था तो वहां पर ऐसे में पता चला था कि शायद वो अकेले हैं और साथ में उनके सिर्फ एक दो लोग ही थे, लेकिन वहां पर एजाज खान पूरी गैंग बैंग को लेकर के आए थे, उनके काफी बंदे वहां पर देखने को मिले थे। अब ऐसे में यहां पर उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई और जिनका मैटर था वहीं पर सॉल्व हो चुका था। लेकिन अब राजवीर फिटनेस ने इस पूरे मैटर पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जब वो मुंबई गए थे तो वो पूरी तैयारी के साथ में गए थे और अगर उनको कोई हाथ भी लगा देता तो चारों तरफ से उन सभी लोगों को घेर लेते। तो क्या कहा राजवीर फिटनेस ने, चलिए मैं आप लोगों को पूरा उनका वीडियो दिखाता हूँ। तो मैं तुम अंदर की बात बता रहा हूँ, नेताजी तो हमारे जानते ही होगे तुम, ब्रिजभूषण जी, और ये हमारे कटप्पा है ब्रिजभूषण जी के, स्वप्निल भाई। तो भाई यहाँ से जो बैकअप गया था वो इतना बैकअप गया था, आज तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, स्वप्निल भाई ने सारा जुगाड़ कर दिया था। एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, दो बड़े पॉलिटिशियन और हमारी करनी सेना और हमारी वहाँ का कौन सा संगठन चलता है, मराठों का एक ग्रुप बनाया गया था कि कुछ भी बात होती तो उसमें मुझे सिर्फ एक मैसेज डालना था, अगर कोई ऐसे भी छू देता ना एक मैसेज जाती, बहुत ड्रामा हो जाता, सारी चीजें खत्म हो जाती, थैंक्स टू स्वप्निल भाई। तो भाई अंदर की बात ये है, जब तक बैकअप नहीं है ना तब तक कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, बिना बैकअप दूसरे मोहल्ले में मत जाना साड़ो, नहीं तो कुटाई हो जाएगी। अकेले चले जाओ, दिखो अकेले, लेकिन अकेले होने नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ 15 मिनट की दूरी पे इतना बैकअप है, कुछ भी होता है तो पूरा एरिया घेर लिया जाएगा, पूरा शहर घेर लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजवीर फिटनेस ने बताया कि वो पूरी तैयारी के साथ में ही गए थे और अगर उनको कोई एजाज खान की तरफ से कोई हाथ भी लगाता तो शायद वहाँ पर बहुत ही बड़ा मैटर हो जाता, एजाज खान के बंदे वहाँ से वापस नहीं जा पाते। बाकी इस मैटर पर आप लोग का क्या रिएक्शन है, आप लोग इस पर एजाज खान के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग राजवीर फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।